अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान पर सियासत। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को बताया भारत विरोधी। जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर राहुल गांधी का फूका पुतला। बीजेपी के SC/ST मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भारत विरोधी बयान को लेकर आज प्रदेश भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ये शगल बन गया है कि वो जब भी विदेश जाते हैं भारत विरोधी बातें करते हैं और राहुल गांधी के बाद उनके पार्टी के नेता भी इसी सुर में सुर मिलाते हैं। देखिए, आपने देखा कि जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं हमेशा देश को अपमानित करने वाले उनके बयान, जिससे देश को प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। और इस बार तो हद तब पार कर दी जब धर्म से धर्म को, जाति से जाति को और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदैव चुनाव के समय आरक्षण की पक्षधर बनती है और सदैव आरक्षण की बात करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं इनका असली चेहरा सामने आता है और ये आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगते हैं। जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाकर स्टेटमेंट देते हैं तो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता देश की आलोचना करने में नंबर वन है। मुझे लगता है कि इस पार्टी के नेता को TRP मिलने के, इनको TRP मिले इसलिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार है। विदेश के अखबार में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी ये लोग संकोच नहीं करते। इसलिए SC/ST और आरक्षित वर्ग के लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंककर पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर पुतला फूंककर विरोध प्रकट किया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो सामने आया है उसको, उसके बदले में जनता जवाब देगी। आरक्षित वर्ग के लोग आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नेता का इसी तरह मुंह काला करेंगे जैसा आज हमने पुतला जला कर किया। इन्हें विदेश में जाकर जाल टावर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमारे ST/SC के आरक्षण पे कहा कि हम आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे, राहुल गांधी जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पंडित नेहरू की सरकार थी तब भी नेहरू ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूँ। आप बीजेपी को बदनाम करते हैं और स्वयं आप आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। ये देश का ST/SC का समाज आपको, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। आपने उनको समान नागरिक बनाने का काम 65 साल राज करने के दौरान क्यों नहीं किया? उनका पिछड़ापन आपने क्यों रखा? और अब आपको याद आती है कि उनको हम समानता जब प्राप्त होगी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं राहुल गांधी के इस बयान की गौर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और उनसे माफी मांगने की मांग करता हूं। ठीक है, नाम बताइए। नारायण मीणा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत है कि जब भी विदेश में जाते हैं, विदेश दौरों पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना, हिंदुस्तान के सिस्टम्स के खिलाफ बोलना और मुख्यतः हमारे जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनके खिलाफ वो बोलते हैं। इस बार इन्होंने Washington DC में जो बयान दिया कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, और लगभग यही बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार हुड्डा साहब ने दिया कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के मनों में ये छिपी हुई बात है, कांग्रेस पार्टी का ये हिडन एजेंडा है आरक्षण हटाना, और आज इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ST और SC प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है।